हमारे शहर भिवानी में ये लाला रामदेव पधारे हैं। इनकी हम जनवादी महिला समिति की तरफ से भिवानी में पहुंचने पर पूरी कड़ी निंदा करते हैं। इसने पूरे समाज को, पूरे भाईचारे को, पूरे जो धर्म के आस्था रखने वाले लोगों को बिल्कुल भका के अपनी तरफ जो बना रखा है इन्होंने माइंड, हम उसकी आज इसलिए निंदा करने के लिए आए हैं कि ये सब कुछ अपने हाथ में लेता है। कोई भी वीडियो आप उठा के देखो तो कह रहा है किसी की बाप में दम है जो मेरे को पकड़वा देगा। ये डॉक्टर लोग, ये वैज्ञानिक लोग, ये इंजीनियर लोग, ये शिक्षा देने वाले लोगों को ऐसे बकवास करेगा तो जनवादी महिला समिति पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ ये जाएगा इसका विरोध करेगी और डट के विरोध करेगी। बहन ने बताया कि जब तक इसको देशद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज हो जाता, सरकार ने पहले कर देना चाहिए था। किसान लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है, अपनी मांग को उठाता है, तब उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम आगे आते हैं, तब उनका मुकदमा छूटता है। लेकिन इसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता और छाती ठोक के को हरियाणा में खड़ा होके किसी के बाप में दम है। संविधान को, कानून को हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है बाबा रामदेव, हम कहना चाहते हैं। तो आप समय रहते हरियाणा के अंदर ना आए, यही आपसे अपील करते हैं, वरना जगह जगह आपका विरोध होगा। हम ये कहना हम ये कहना चाह रहे हैं, ये जो रामदेव लाला यहाँ पर आया है, ये एक जनता को भड़काने के लिए यहाँ पर आया है। क्योंकि जहाँ जहाँ ये लोग आते हैं, इनका एक ही उद्देश्य होता है, अब जनता को भड़काया जाए और इस आंदोलन को कमज़ोर किया जाए। हम कहना चाहते हैं कि आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा और जो बाबा की जो गलत नीति है ये कह रहा है, मतलब अपना पतंजलि दूध, पतंजलि घी, पतंजलि में हम ये कह रहे गायें, ये पतंजलि गायें कहाँ से लाया, कहाँ से सारी चीज़ पतंजलि होगी। ये पतंजलि के नाम पर ये लोगों को बहका रहा है और अपने बड़े बड़े अपने कारपोरेट घरानों को मुनाफा दे रहा है, अब एक बड़ा लाला बन गया। इसके विरोध में हम ये आज विरोध कर रहे हैं, ये विरोध जब तक इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होगा हम ये विरोध करते रहेंगे। और किसान और हम जनवादी महिला समिति की तरफ से कहना चाहते हैं, जो जिस तरह के ये प्रचार कर रहा है देश के अंदर, कभी योगा के नाम पर, कभी मतलब ये शिक्षा के नाम पर इस तरह बांट रहा है, जो सब कुछ इससे सीख रहा है क्या। हम पूछना चाह रहे हैं, क्या तू ये विदेश से कौन से संविधान में लिखा है ये, भाई पतंजलि सब कुछ है, हमें इतिहास में तो दिखा दिया कौन से संविधान के अंदर है। हम इसकी कड़े से दम निंदा करते हैं और इसका हम जब तक इसका सनाखों के पीछे नहीं जाएगा ये मांग भी करते हैं प्रशासन का, इसे गद्दार को जेलों के अंदर डाला जाए, अन्यथा ये इसका भारी नुकसान जो भी नुकसान होगा प्रशासन और सरकार ने भुगतना पड़ेगा। धरती बाबा, 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 धरती बाबा।
लाला रामदेव मुर्दाबाद 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 धन का नाम लेके देश को लूटने वाला रामदेव मुर्दाबाद मुर्दाबाद देश को लूटने वाला लाला रामदेव मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मैं डॉक्टर करण पुनिया IMA राज्य प्रधान, आज बाबा रामदेव जो एक लाला बन चुका है, जो ढोंगी बाबा है, उसके खिलाफ यहाँ पर आया हूँ और उनके खिलाफ हमने नारे लगाए हैं, काले झंडे दिखाए हैं। उसकी हर जगह जहाँ जहाँ हो जाएगा, हमारे डॉक्टर्स और बाकी किसान और जिस जिस वर्ग का उन्होंने अपमान किया है, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, सबका उसने अपमान किया है। गवर्नमेंट के टीकाकरण के विरुद्ध उसने टिप्पणी की है, गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसके विरुद्ध उसने टीकाकरण के लिए और उसके पॉलिसी के विरुद्ध में उन्होंने बातें बोली हैं। उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। मैं DC से और SP से निवेदन करता हूँ कि वो यहाँ आज भिवानी में घूम रहा है, उसको तुरंत गिरफ्तार करके सलाखों के अंदर डालना चाहिए। हम इस अगले सप्ताह तक पूरा करके पूरे देश के अंदर नेशनल ब्लैक डे मनाने जा रहे हैं। जगह जगह हम हड़ताल करेंगे, हॉस्पिटल्स को बंद करेंगे और पब्लिक का भला सोचते हुए पब्लिक को साथ लेके बाबा की जो भी कारस्थानियाँ हैं, जो भी उनका व्यापार है, उसके बाबा की आड़ में जो वो कर रहा है, उस सब बातों को उजागर करेंगे एक एक करके। उसने देशद्रोह का काम किया है, उसके खिलाफ हम ये अंतिम लड़ाई लड़ते रहेंगे। किसान भी आज क्या आप लोगों की देखिए, आज जो वीडियो आया है रामदेव की तरफ से, वो इंजीनियर को भी नकली बता रहा है, पायलट को भी नकली बता रहा है, डॉक्टर को भी नकली बता रहा है, अध्यापकों को भी नकली बता रहा है। इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा है और देश में अंधविश्वास फैला रहा है और अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। सरकार उसको प्रोटेक्शन दे रही है, यहाँ का प्रशासन उसकी सुरक्षा कर रहा है। इसलिए हम किसान सभा के लोग जनता के साथ हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि इस ढोंगी बाबा ने जो डॉक्टरों के बारे में बोला है, टीचर्स के बारे में बोला है, इंजीनियर के बारे में बोला है, तो इसके खिलाफ तुरंत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इसको अंदर किया जाए। अगर कोई और आदमी बोलता तो अभी तक ये सरकार उसको देशद्रोही घोषित करके अंदर कर देती। बाबा रामदेव बाबा का नाम है लेकिन बाबा का कोई मतलब नहीं है, ये लाला बन चुका है, बड़ा कॉरपोरेट बन चुका है और इसके पास 2000 करोड़ रुपए तो इसकी पर्सनल संपत्ति है, 5000 करोड़ रुपए इसका बिजनेस की संपत्ति है। ये ठग है पूरा और काला धन का नाम लेकर के ये देश की जनता को इसने गुमराह किया। अब उस काला धन का ये नाम नहीं ले रहा है और यही आदमी सलवार पहन के भागा था, कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा था। हम ये नहीं कहना चाहते कि नहीं लड़ना चाहिए था कांग्रेस के खिलाफ, वो भ्रष्टाचार कर रही थी तो लड़ना चाहिए था, लेकिन ये भाग गया, डर के भाग गया और अब ये मोदी का आते ही मोदी पहले ही कहने लगा था मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, तो इसने जो ना मोदी साहब की सरकार इसको प्रोटेक्ट कर रही है, गैर वैज्ञानिक बातें कर रहा है, संविधान के खिलाफ बोल रहा है, अवैज्ञानिक बातें कर रहा है, इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इसको देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। हम किसान मांग करते हैं, ये डॉक्टरों के साथ हैं, टीचर्स के साथ हैं, इंजीनियर के साथ हैं। आप लोग दीवानी में इनके खिलाफ कोई शिकायत देने जा रहे हैं, IMA और किसान दोनों आप लोग? हमने पहले से ही उनको शिकायत दे दी है और प्रशासन को लिखित में दी है और पुनः हम लोग उनको ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमने SP को शिकायत की है, हमने DC साहब को शिकायत की है कि आप संज्ञान लेके और इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर करें। हमने इनको लीगल नोटिस भी दिया है बाबा को और थोड़े दिन में वो लीगल नोटिस का जवाब नहीं देंगे, हम न्यायालय के थ्रू उनके विरुद्ध कार्रवाई करने जा रहे हैं। हम किसान सभा की तरफ से भी कल DC को लिख के देंगे कि इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और हम निंदा करते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार और हरियाणा की सरकार इसको बचा रही है, हरियाणा की सरकार इसके उत्पाद भी खरीद रही है और करोड़ों को इसका फायदा दे रही है। इसलिए हम इसकी शिकायत कल DC साहब को किसान सभा की तरफ से करेंगे।